नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टुडेज स्टेटमेंट। अपना दल यश की अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल की राहें इस बार आसान नहीं लग रही हैं। उनको सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी रामचरित्र निषाद और कांग्रेस प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी से कहीं ज़्यादा टक्कर उनकी सगी बहन पल्लवी पटेल दे रही हैं। 2014 में बड़ी आसानी से मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद बनकर दिल्ली पहुंची अनुप्रिया पटेल की लड़ाई वैसे भी इस बार कठिन है, लेकिन उनको अपनी बहन से निपटना भारी पड़ रहा है। राजनीति में भाई भाई और बहन भाई कब एक दूसरे के विरोधी हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग पार्टियों में हैं। लेकिन बाकी को छोड़, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की अपना दल यश और अपना दल की। सोनालाल पटेल ने कभी अपना दल के नाम से पार्टी खड़ी की थी। उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए खूब संघर्ष किया, लेकिन उनकी मौत के बाद आज पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एक की मुखिया उनकी पत्नी कृष्णा पटेल हैं, जबकि दूसरे की मुखिया वर्तमान में मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल यश ने 2014 में भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। अनुप्रिया मिर्जापुर से चुनाव जीती और मोदी सरकार में मंत्री भी बन गई थी। उनकी बहन और उनकी माता ने उस समय काफ़ी विरोध किया था, बावजूद इसके अनुप्रिया ने भाजपा का दामन थामे रखा। उनकी छोटी बहन पल्लवी पटेल ने कई बार उन्हें अति महत्वाकांक्षी बताकर उनका विरोध भी किया था। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि जब से अनुप्रिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सही रहा हो या गलत रहा हो, किसी भी निर्णय का विरोध किया हो। अगर उन्होंने ये भी बोल दिया कि आज सुबह नहीं शाम है, तो अनुप्रिया जी ने बोला जी मैं उनके समर्थन में हूँ, सुबह और शाम है। तो अनुप्रिया जी की हर टिप्पणी जो होती है वो माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आती, विरोध में तो बहुत ही कम आती है। टिल द टाइम वो उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ी है। हालांकि अनुप्रिया पटेल अपनी बहन और अपनी माता की बात को अनसुनी कर आगे बढ़ती रहीं, लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं दिख रही है। इस बार मिर्जापुर का आंकड़ा पहले से काफ़ी बदला हुआ नज़र आ रहा है। सपा ने भाजपा के पूर्व सांसद रामचरित्र निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने ललितेश पति त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। ललितेश कमलापति त्रिपाठी के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ललितेश के लिए वोट मांग रही हैं। पारिवारिक मामलों पर अनुप्रिया बहुत खुलकर तो बात नहीं करती हैं, लेकिन उनकी बातों से तो पता चलता ही है कि वो चाहती क्या हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्ज़ापुर की जनता मेरे विकास कार्यों को देखते हुए, मेरे निष्ठापूर्वक कार्यों को देखते हुए, एक बार फिर मुझे इस जनपद का देश की सबसे बड़ी संसद में, देश की लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का आशीर्वाद जरूर देगी। कितना जातिगत समीकरण का क्या असर रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जातियों के बंधन से मैं बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने पूर्णतया विकास के ऊपर ही अपनी दृष्टि रखी है। और विकास एक ऐसी चीज़ है जिसका लाभ हर जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय, हर व्यक्ति तक पहुँचता है। मिर्जापुर सीट की बात करें तो यहाँ सबसे बड़े वोटर कुर्मी बिरादरी के हैं। इनकी संख्या यहाँ 3 लाख के आसपास है। बिंद या मल्लाह लगभग 1.5 लाख, ब्राह्मण लगभग 1.5 लाख, हरजन भी 2.5 लाख, यादव 85,000, राजपूत 80,000, मौर्य 1.25 लाख, जबकि बाकी वोटें अन्य जातियों की है। अनुप्रिया कुर्मी बिरादरी से आती हैं। इनका दावा है कि इस बार भी उनकी बिरादरी उनके साथ ही रहेगी, लेकिन उनकी बहन पल्लवी उनके वोट में पूरा सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। जो अनुप्रिया कभी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखती थी, आज वो खुद भी असमंजस की स्थिति में हैं, और उनको उस स्थिति में पहुंचाया है उनकी सगी बहन पल्लवी ने। यानी आज अनुप्रिया पटेल को लग रहा होगा कि अपनी सगी बहन से कैसे निपटे। वैसे मिर्जापुर का जो मिजाज है उसमें कांग्रेस और गठबंधन के प्रत्याशी भी कहीं पीछे नहीं हैं। ऐसे में अगर अनुप्रिया की हार होती है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ उनकी बहन पल्लवी का ही होगा। रही बात परिणाम की तो 23 को देख ही लेंगे, लेकिन यह सत्य है कि अगर अनुप्रिया पटेल हार गईं तो पल्लवी पटेल यानी उनकी बहन का राजनीतिक कद जरूर बढ़ जाएगा।